हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से बेबी बूटीज़ का एक बहुत ही खूबसूरत सा और बिल्कुल अलग सा पैटर्न। ये थोड़ा अलग पैटर्न पे बना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको बनाना, पर बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न लगता है। ये बहुत प्यारी बूटीज़ बन के रेडी होती हैं। और फ्रेंड्स, ये निटिंग पे बनी हुई है, क्रोशेट पे नहीं है ये। तो इसे आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें फ्रेंड्स 51 फंदे डाले हैं और 51 फंदों के बाद ये जो इसका नीचे का पार्ट है जिसमें बेबी के पंजे फिट होते हैं, ये देखिएगा ये 4 इंच के आसपास आ रहा है। तो अगर आपके बेबी के पंजों की लंबाई 4 इंच है तो आप 51 ही फंदे उसमें डालें, आराम से उसमें फिट हो जाएगा। और अगर इससे बड़ा या छोटा आपको बनाना है तो अगर 5 इंच बनाना है तो इसमें टोटल 8 फंदे बढ़ा लें। अगर छोटा बनाना है तो एक इंच के फंदों में 1 इंच अगर आपको इसको बढ़ाना या घटाना है तो आपको 8 फंदे बढ़ाने पड़ेंगे या फिर 8 फंदे घटाने पड़ेंगे। तो 8 फंदों के डिफरेंस में ही ये बनेगा। प्लस इसमें ये वाला जो इसका पार्ट बना हुआ है जहां से फंदे घटे हैं, इसे भी मैं बनाते टाइम आपको ये बता दूंगी कि अगर आपको छोटा या बड़ा बनाना है तो आपको किस तरीके से इसे मैनेज करना है ताकि आपके बेबी के लिए ये इजीली फिट हो जाए। बिकॉज अगर यहां से सिर्फ फंदे डालने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जब हम फंदे इसे सेट करते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कितने फंदों को हमें इस पार्ट में रखना है, कितने फंदे आगे रहेंगे घटाने के टाइम और कितने फंदे इस पार्ट में। तो ये मैं बनाते टाइम आपको ये भी क्लियर कर दूंगी कि आपको कितने फंदों को कहाँ पे सेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी और आगे बढ़ के अपना ये पैटर्न शुरू करती हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये पैटर्न। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 51 फंदे लिए हैं और 51 फंदों में मैंने इसमें 10 सलाइयां बिन ली हैं। तो अगर आप इसको 10 सलाई बिन लेंगे तो देखिएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरह के पैटर्न आपको शो होने लगेंगे। तो आप भी इसमें फंदे डाल के इसी तरह से पहले सीधा सीधा या दोनों साइड उल्टा इसी तरह से बिन लें, 10 सलाइयां पहले बिन लें, उसके बाद इसमें ऊपर का पैटर्न स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करना है, ये मेरा राइट साइड है, देखिएगा ये राइट साइड है, यहाँ पे मैं एक सलाई अब इसमें सीधी बिनूंगी और एक सलाई उल्टी। ये वाली सलाई पूरी मुझे सीधी बिननी है। इस तरह से बुनते हुए इस पूरी रो को ओवर करना है, पूरा सीधा सीधा बिनेंगे इसमें। ये पूरी सलाई इसी तरह से बिननी है सीधी। नेक्स्ट रो पूरी उल्टी बिनेंगे, देखिएगा एक रो पूरी सीधी बिन ली, अब ये रॉन्ग साइड पे है और ये पूरी उल्टी उल्टी बिननी है। पूरी रो इसे उल्टी ही इसी तरह से बिन के पूरी रो को ओवर करना है। अब यहां पे अगेन मैं अपनी राइट साइड पे हूं, इस तरीके का पैटर्न इसमें बनाना है फ्रेंड्स। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहली सलाई जो पहला फंदा है हमारा, इसे ऐसे ही उतार लेंगे, धागे को पीछे की तरफ करेंगे। अब इसे सीधा बिनना है तो सीधा हम नॉर्मली ऐसे बिनते हैं, तो इसे यहां से नहीं बिनना है, इसके नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये जो शो कर रहा है, यहां से सलाई को डालना है और इस तरह से इसे सीधा फंदा बिन लेंगे। फिर से एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा फिर से ऐसे ही, यहां से नहीं बिनेंगे, इसे ऐसे नहीं बिनना है, ये वाला जो इसके नीचे वाला जस्ट नीचे वाला ये वाला जो है, देखिएगा यहां से सलाई को डालेंगे और इसे सीधा बिन लेना है। फिर से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर से वैसे ही अंदर से डालते हुए से बिनेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इसी तरह से बुनते हुए इस पूरी रो को हमें ओवर करना है।
ये देखिएगा, ये हमारा रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड में जहां सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनना है और जहां उल्टा दिख रहा है वहां उल्टा बुनना है। नॉर्मल बुनना है इसे, जैसे हम हमेशा बुनते हैं इस तरीके से। उल्टा है उसे उल्टा और जो पीछे से सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनना है। ये देखिएगा, ये फंदा हमारा उल्टा है पीछे से तो इसे उल्टा ही बुन लेंगे, और ये फंदा सीधा है तो इसे सीधा ही बुन लेंगे। इसी तरीके से सीधा और उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को भी ओवर करना है। ये देखिएगा, अगेन ये हमारा राइट साइड है और फिर से हमें यही सेम पैटर्न बनाना है। तो पहला फंदा जो उल्टा है उसे उल्टा ही बुन लेना है और सीधे फंदे को फिर से यहां से ना बुन के नीचे वाली जो हमारा पॉइंट दिख रहा है वहां से बुनेंगे। फिर से नेक्स्ट फंदा उल्टा और अगेन ये यहां से सिलाई को डालते हुए सीधा। फिर से नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, अगेन ये देखिएगा इस पॉइंट से डालना है हमें, यहां से ना बिन के इस वाले नीचे वाले से, इसके जस्ट नीचे से डालना है सिलाई को और इसे बुन लेना है। इसी तरीके से हमें बुनते हुए अपनी इस रो को भी पूरा ओवर करना है फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमें इसमें टोटल इस तरीके की 10 रो बनानी है। तो दो हमने बना ली, थर्ड नंबर हम बना रहे हैं इसमें, तीसरी रो बना रहे हैं। सीधा उल्टा बुनते हुए यहाँ पे हमने एक रो बनाई, फिर पीछे उल्टी दूसरी रो बनाई, ये तीसरी बन रही है। टोटल 10 रो इस तरीके की बना के हमें रेडी करना है। तो इतना पार्ट पहले इसमें बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से 10 सिलाई बन के ओवर कर ली है पूरी। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें बन के रेडी होता है। अब हमें इसमें यहाँ पे फंदों को घटाना है। तो इसमें मैंने 51 फंदे लिए थे, तो 15 फंदे हमें एक साइड पे रखने हैं, 15 फंदे दूसरे साइड पे रखने हैं और बीच के फंदों को हमें तीन तीन करके 7 टाइम्स में घटाना है। और अगर आप इसको बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं, तो अगर आप इसे एक साइज छोटा बनाना चाहते हैं तो दोनों साइड 12-12 फंदे रख लें और बीच के फंदों को तीन तीन फंदों को 5 टाइम्स में घटाएं, मीन्स 15 फंदे आपके बीच में होंगे। तो 12-12-24 फंदे ये हो गए हमारे, या तो फिर 13-13 फंदे रख लें, 13-13 फंदे 26 फंदे हो जाएंगे। और फिर बीच के अगर आप 15 फंदों को घटाएंगे तो ये पूरा टोटल 41 फंदे हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप एक साइज कम छोटा बनाना चाहते हैं, एक या दो साइज, तो इस तरीके से फंदों को कर सकते हैं। बड़ा बनाना चाहते हैं अगर आप इसमें, तो फंदों को इसी तरीके से बढ़ाते हुए बीच वाले पार्ट में ध्यान दीजिएगा। जैसे छोटे में हमें 5 टाइम्स में घटाना है, बड़ा बनाने के लिए हमें उन्हें 9 टाइम्स घटाना होगा। तो तीन तीन फंदे के 9 सेट इसमें बनाने होंगे बीच के लिए। तो तीन तीन के अगर हम लेंगे तो 9 टाइम्स में घटाने के लिए हमारे पास 27 फंदे बीच में होने चाहिए। प्लस इधर उधर अगर आप इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो 19 फंदे इधर उधर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे सेट करना होगा। तो यहाँ पे अब बिल्कुल सीधा बुनते जाएंगे, 15 फंदों को हमें सीधा बुनना है। 2, 3, 4, 5, 14 और ये 15। ये 15 फंदे बिल्कुल सीधे बुन लिए और अब इसमें हमें 7 टाइम्स में तीन तीन फंदों को घटाना है। तो फंदों को सीधी तरफ से ही घटाएंगे, ये तीन फंदे ले लेंगे और इधर से तीनों फंदों को घटाएंगे। इस तरह से तीन फंदों को एक साथ बिन लेंगे, फिर से तीन फंदों का सेट बनाएंगे और इन्हें आपस में एक साथ बिन देंगे। इस तरह से हमें टोटल 7 टाइम्स करना है, तीन तीन फंदों को 7 बार में घटाना है। ये देखिएगा, 7 टाइम्स घटा लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और ये जो बाकी के 15 फंदे हमारे बचे हैं इन्हें फिर से सीधा ही बुन लेना है। रॉन्ग साइड
पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुननी है। इसी तरीके से उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई को ओवर करना है। जो बीच में घटे हुए फंदे हैं इन्हें भी उल्टे ही बुनने हैं। ये सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है और इस सिलाई को ओवर करना है। तो अब यहाँ से फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब हमें इस तरीके का पैटर्न इसमें बनाना है। तो यहाँ मैं सीधा बुनूंगी इस साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। तो पहले 15 फंदे पूरे जो हमारे सीधे सीधे हैं उन्हें बुन लेते हैं। तो ये 15 फंदे पूरे सीधे सीधे बुन लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 और एक ये 15। और ये जो हमारे बीच के फंदे घटे हुए फंदे हैं इसमें से 6 फंदों को सीधा बुन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अब इधर हमारे 16 फंदे बचे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 16 फंदे इधर बचे रह गए। वर्क को यहीं से टर्न करना है, यहीं से हम सिलाई को मोड़ देंगे। इधर के फंदे जो 16 फंदे हैं इन्हें नहीं बिनेंगे अभी, धागे को पीछे करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया दोनों साइड आपको सीधा सीधा या उल्टा उल्टा बुनना है, तो यहाँ मैं सीधा ही बुनूंगी पीछे के साइड भी। तो ये पहले जो 6 फंदे हमारे बीच वाले हैं घटे हुए फंदे पहले उनको बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 फंदे बीच के बुन लिए और एक फंदा हमें इस वाले से लेने ना है। जो 15 फंदे हमारे इस साइड के हैं एक फंदा इससे बुन लेंगे। इस तरह से बुन लिया, वर्क को फिर से यहीं से टर्न कर देंगे। और फिर से अब ये हमारे पास बीच में 7 फंदे हो गए, तो पहले 7 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदे हो गए और एक फंदा ये जो हमारे 15 फंदे इधर के हैं इससे ले लेना। इसलिए हर सिलाई में इसी तरह बीच वाले फंदों के साथ आपको एक फंदा इधर से एक सिलाई की तरफ और दूसरी साइड पे आएंगे तो एक फंदा इधर से। और अब इधर से एक फंदा बिनने के बाद फिर से वर्क को यहीं से टर्न कर देना है। एक एक फंदा आप इधर से कैरी करते जाएंगे और वर्क को वहीं से टर्न करते जाएंगे। फिर से अब हमारे पास जितने फंदे हैं बीच में उसको पहले बिन लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये साफ आपको पता चलेगा कहाँ पे आपके बीच के फंदे खत्म हो रहे हैं। तो ये बीच के फंदे खत्म हो गए, अब इधर से एक फंदा कैरी करेंगे, ये ले लिया, फिर से वर्क को यहीं से टर्न कर देंगे और अगेन सीधा सीधा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब 9 फंदे हो गए, फिर से अब यहां से एक फंदा कैरी कर लेंगे और करने के बाद अगेन वर्क को यहीं से टर्न कर देंगे और फिर से ये पूरी जो बीच के फंदे हैं हमारे उनको बिनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 फंदे हो गए हमारे पास, फिर से एक फंदा यहाँ कैरी करेंगे और वर्क को ऐसे ही टर्न कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हमें बुनते जाना है। ये देखिएगा बीच का ये इस तरीके का लुक आने लगा। जैसे जैसे आप एक एक फंदा इधर से हर सिलाई में एक बार इधर से लेना है और एक बार इधर से लेना है, फिर नेक्स्ट सिलाई में इधर से एक फंदा लेंगे, फिर इधर से एक फंदा लेंगे, इसी तरह से बुनते जाना है। और 1, 2, 3 हमें इसमें इतना बुनना है। ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 सिलाई हमें इसमें इसी तरह से बुन के रेडी करनी है। 12 सिलाई मीन्स 12 का जस्ट डबल, ये एक दो सिलाई में ये पैटर्न बन के रेडी होता है। तो 24 सिलाई आपको इसी तरह से बुननी है। इस तरह के 12 पैटर्न आपको दिखने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हर सिलाई में इसी तरह से हमें करना है,
एक फंदा इधर से कैरी करना है और एक फंदा दूसरे साइड से कैरी करना है। दोनों साइड से एक एक फंदे को कैरी करते हुए टोटल 24 सिलाई बिननी है। और उसके बाद जितने भी फंदे बच जाते हैं हमारे साइड के, तीन या चार फंदे जो भी बचेंगे उन्हें वैसे ही ले लेना है। तो फिर से एक बार देखिएगा, इस तरह से बुनेंगे। और अब ये हमारा बीच का पैटर्न खत्म हो गया, तो इधर से एक फंदा कैरी कर लेंगे, वर्क को यहीं से टर्न कर देंगे। इधर के फंदे आपको सिर्फ एक एक कैरी करने हैं फ्रेंड्स, इसको बिनना नहीं है, ना इधर के फंदों को बिनना है ना इधर के फंदों को, सिर्फ बीच के फंदे बार बार बिने जाएंगे और हर बार एक एक फंदा कैरी करना है। तो इसी तरह से बुनते हुए 24 सिलाई बिन के रेडी कर लेंगे। और अब यहाँ देखिएगा, ये 12 सिलाई बन के पूरी रेडी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 सिलाई यहाँ हो गई है इसमें। और ये जो फंदे बचे हैं अब इन्हें बिन के पूरा ओवर कर लेना है। ये सिलाई भी पूरी उल्टी बिनेंगे, पूरी सीधी बिननी है इस सिलाई को। अब कहीं भी फंदे हमें कैरी नहीं करने, पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेना है। ये पूरी सिलाई पूरे फंदे में सीधे बुन लेने हैं। और अब इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो लास्ट में दो सिलाई हमें, एक सीधी एक उल्टी, ये देखिएगा बीच में जैसे यहाँ पे बुना हुआ है, इस तरह से बुन लेना है। ये पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बिननी है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये ऊपर वाला बॉर्डर बनाना है इसका। तो इसमें 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ इसमें बॉर्डर की बनी हुई हैं। तो अगेन इसी तरह करेंगे जैसे नीचे किया है, या तो दोनों तरफ से सीधा बना लें या दोनों तरफ से उल्टा बना के इस बॉर्डर को रेडी करेंगे। तो अब यहाँ से फिर से मैं दोनों साइड सीधा बनाऊंगी, 8 सिलाई इसे ऐसे ही बनाना है, दोनों साइड सीधा, राइट साइड से भी सीधा सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये ऊपर का बॉर्डर बनके इसमें रेडी हो जाएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये इस तरह से पूरा बनके रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे आपस में सिलना होगा। तो इसे सीधा पार्ट ऊपर की तरफ रख के ऐसे टर्न करेंगे और इसका ये वाला पार्ट हमें सिलना है, ये सिलना है और ये नीचे वाला। तो इसे कुछ भी नहीं करना है, आराम से इसे सुई में धागे को डाल दें और इसे सिंपल सिल लें। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये पूरा सिल लिया और अब इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिएगा, सीधा करने पे पूरी बूटीज बन के इस तरह से रेडी हैं। दोनों पार्ट इसके बन चुके हैं फ्रेंड्स। सो आई होप आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलूंगे कुछ नए आइडियाज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।